नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर का वायर। उदयपुर नगर निगम और यातायात पुलिस उदयपुर शहर के संबंधित सभी क्षेत्रवासी और शहरजन को सुगम मार्ग उपलब्ध हो सके उसके लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उसी की एक कड़ी के अंदर उदयपुर शहर के अलग अलग वार्डों में जो कि 70 वार्ड नगर निगम क्षेत्राधिकार में आते हैं, उन सभी वार्डों की यातायात व्यवस्था और आम मार्ग को सुगम व्यवस्था करवाने के तहत उदयपुर नगर निगम ने अपने राजस्व को बढ़ाने के तहत कई पार्किंगों का निर्माण करवा रखा है, जिन पार्किंगों को एक निश्चित समय के लिए निविदा और विभिन्न नियमों के साथ करते हुए ठेकेदारों को सुपुर्द कर रखी है। वहाँ पर वे लोग उस क्षेत्र में आने जाने वाले पर्यटकों की और आम शहरवासियों की एक निश्चित दर पर गाड़ियों को सुरक्षित रखते हुए रखने का काम करवाते हैं। ऐसा ही एक पार्किंग स्थल है जो कि है चांदपोल गेट के यहाँ पर, चांदपोल पार्किंग, जो पहले तो एक ठेकेदार के पास ठेके पर थी और उसके बाद अभी कुछ पिछले कुछ समय से निगम अपने स्वयं के गार्ड को लगाकर वहाँ पर व्यवस्था को संभालवा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ये पार्किंग 3 फ्लोर में वहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर गाड़ियों को सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर तक ले जाने के लिए लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। लेकिन बताया जा रहा है कि कई दिनों से यहाँ पर जो सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर तक ले जाने की जो व्यवस्था गाड़ियों की जो लिफ्ट का साधन है, वह लिफ्ट यहाँ पर क्षतिग्रस्त है और डैमेज हो चुकी है और उसको कहीं ना कहीं निगम के जिम्मेदार अधिकारी वहाँ पर देखरेख नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सेकंड फ्लोर पर और ऊपरी फ्लोर पर बताया जा रहा है, जैसा कि जो गाड़ियाँ खड़ी है, वे लोग अपने आवश्यक कार्य के लिए भी गाड़ी को पार्किंग से बाहर नहीं निकाल पा रहे, जिसका मुख्य कारण जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो लिफ्ट की व्यवस्था है, जिसको गाड़ी को ऊपर और ऊपर से वापस पुनः नीचे ले जाने का काम करती है, वह लिफ्ट पिछले 15 दिन से भी ज़्यादा दिन हो गए हैं यहाँ पर ख़राब है। लगातार लोग आयुक्त नगर निगम के आयुक्त से भी इस संदर्भ में जाकर मिल रहे हैं, संबंधित विभाग के जिम्मेदारों को भी अवगत करा रहे हैं और कई लोगों को अपने उदयपुर शहर से जो कि बाहर से हैं उनकी गाड़ियाँ भी पार्किंग में खड़ी है, सेकंड फ्लोर पर खड़ी है और वे बाहर अपने वापस गंतव्य स्थल पहुंचना चाहते हैं, लेकिन गाड़ियों को गलती से खड़ा करने की वजह से वो सेकंड फ्लोर पर जो खड़ी कर दी है, वो लिफ्ट ख़राब होने की वजह से वो वापस नहीं ले जा पा रहे हैं। कि डिजिटल और हाईटेक पार्किंग की व्यवस्था है उदयपुर शहर में एक नहीं दो जगह पे की है। आपको अभी पता होगा कि यहाँ पर सूरजपोल चौराहे पर भी इसी तरह की हाईटेक पार्किंग को निर्माण तो करवा दिया गया, लेकिन हालांकि ऐसी व्यवस्था जहाँ पर हो जाती है, जहाँ गाड़ी दूसरे से तीसरे फ्लोर पर चढ़ा तो दी जाती है, लेकिन कहीं गलती से कहीं टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, तो ऐसे में ये लोगों के पास ऐसी कोई तकनीकी नहीं है जिसे एकदम से सुधारा जा सके और उन गाड़ियों को वापस जिनकी है उन्हें उदयपुर झीलों की नगरी और अभी छुट्टियों का माहौल चल रहा है और उदयपुर में टूरिस्ट का आना जाना लगा हुआ है, उदयपुर से भी बहुत जने घूमने बाहर जा रहे हैं अभी। लेकिन उदयपुर के अंदर अगर देखा जाए तो स्मार्ट सिटी ने बहुत डेवलपमेंट के कार्य किए हैं और स्मार्ट पार्किंग भी बनी है काफ़ी जगह, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स है, जहाँ चांदपोल पार्किंग हो गई, दहली गेट पार्किंग है और सूरजपोल में अत्याधुनिक पार्किंग का अभी 2-3 महीने पहले ही उद्घाटन किया है। लेकिन चांदपोल क्षेत्र में अगर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रिक पार्किंग जो बनी हुई है यहाँ पे, वो पिछले 15 दिन से खराब पड़ी है और कुछ टूरिस्ट इतने परेशान हो रहे हैं कि उनकी गाड़ियाँ वहाँ ऊपर फंस गई है, अब वो लिफ्ट जब तक सही नहीं होगी तब तक वो गाड़ियाँ नीचे नहीं आएगी। वैसे ही उदयपुर जो घूमने आता है, ट्रैवलिंग बजट आता है, वो 2-3 दिन रूम किराए लेते हैं। अगर इस तरीके से निगम के अधिकारी ध्यान नहीं देंगे तो टूरिस्ट को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये तो पहली इलेक्ट्रॉनिक है जो 2 मंजिल की बनी हुई है, अगर यूँ देखा जाए सूरजपोल तो 4 मंजिल की बनी हुई है, जहाँ गाड़ियाँ देखने को भी कम मिलती है। अगर वहाँ गलती से कोई गाड़ी फंस गई हो, कोई टूरिस्ट अटक गया, तो मेरे को लगता नहीं है कि निगम के अधिकारी 5 दिन तक सही करा पाएंगे। जहाँ उदयपुर में निगम के अधिकारी बड़े बड़े दावे करते हैं, तो ऐसी छोटी गलतियों से उदयपुर में कहीं ना कहीं बदनामी हो रही है। टूरिस्ट के बारे में सोचना चाहिए और निगम के अधिकारियों से निवेदन है कि कम से कम अतिथि देवो भव का जो उदयपुर में स्वागत किया जाता है, कम से कम इस तरीके से उनका अपमान नहीं किया जावे और उनको जल्द से जल्द सुविधा दी जावे। धन्यवाद।